तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 12वीं के एक्सरसाइज नंबर 5.2 से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 3। फंक्शन है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी और निकालना है dy बटा da। चलिए तो हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम d बटा dx लगा देंगे, दोनों साइड में d बटा dx लगा देंगे साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन का एंगल है ए एक्स प्लस बी, साइन का एंगल है ए एक्स प्लस बी और d के साथ में है x, ये दोनों सेम होना चाहिए, है नहीं तो हम क्या करेंगे, डी ए एक्स प्लस बी से भाग दे करके डिवाइड करके और डी ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो डीएक्स है वो यहां आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, इसमें साइन के बाद एक्स है तो डी के बाद एक्स है तो इसका रिजल्ट हो जाता है कॉस एक्स। तो अब यहां साइन के बाद ए एक्स प्लस बी है, डी के बाद भी ए एक्स प्लस बी है, तो ये दोनों सेम हो गया तो कॉस एक्स, लेकिन एक्स के जगह तो है ए एक्स प्लस बी तो लिख दिया, यहां ए कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे और डी बटा डी एक्स हम एक्स में लगाएंगे, फिर डी बटा डी एक्स बी में लगाएंगे। ये आपका कॉस ए एक्स प्लस बी रह गया गुना ए अपने स्थान पर ज्यो कहते हो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी कांस्टेंट है, आपको बताया गया है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इस ए को आप शुरू में लिख लो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यही हो गया आपका आंसर। तो इसको अच्छे से समझे और वीडियो को लाइक करना ना भूले और इसको सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और मैथ संबंधी सारा वीडियो आपको धीरे धीरे करके मैं दूंगा। थैंक यू।